दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पवन फोर टेक पर। कल की वीडियो में हमने सीखा फॉर्मेट पेन टूल कैसे यूज करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल पर बनाई गई हुई फाइल पर आप पासवर्ड कैसे डालें। आप जैसे कोई भी आपका पर्सनल फाइल बनाई है, आप उस पे पासवर्ड डालना चाहते हैं, यानी कि आप अगर कोई आपका किसी यूज़र दूसरा यूज़र इसको खोल ना सके, इसलिए आप इस पर पासवर्ड डालना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस पर पासवर्ड डाल सकते हैं। हम इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे, क्यों इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एप्लीकेशनों के माध्यम से भी पासवर्ड डालते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको किसी भी एप्लीकेशन को बिना डाउनलोड किए ही आप इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक नॉर्मल सी प्रोसेस करनी होगी। प्रोसेस में आपको आपके फाइल, जैसे आपने ये कोई फाइल बनाई है, आप पहले तो इस फाइल को सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए आपको फाइल पे जाना है, इसके बाद में आपको सेव करना है। एक्चुअली ये फाइल जो मैंने पहले ही सेव कर ली, इसलिए आपको इस फाइल को सेवस करना पड़ेगा। जैसे मैं सेवस करूँगा, जैसे ही आप सेवस करेंगे, सेवस पे आपका जो पाथ पे आप सेव करना चाहते हैं उस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, इसे आपके सामने जो ऑप्शन आएंगे उसमें जो सेव है उससे पहले आपको देखना है टूल्स। ये जो टूल्स लिखा हुआ है, आप इस टूल्स पे क्लिक कीजिए। टूल्स पे क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन आता है जनरल ऑप्शन, आप इस जनरल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद एक आपका जनरल ऑप्शन का एक पॉपअप खुलेगा। अब उसमें आपको क्या करना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है पासवर्ड टू ओपन और एक लिखा है पासवर्ड टू मॉडिफाई। अगर आप जैसे ही आपने कोई आपकी इस एक्सेल सीट को सेव किया है, अब अगर कोई इस सीट को खोलेगा तो अब जैसे ही खोलेगा तो पासवर्ड मांगेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पासवर्ड डालना होगा। अगर आप वहाँ नहीं डालना चाहते हैं, जैसे आप किसी को ओनली रीड करना चाहते हैं, रीड पढ़ ले तो उसके और मॉडिफाई ना करें, तो इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। अगर यहाँ अपन चाहो तो दोनों के लिए कर सकते हैं, मैं आपको दोनों में ही पासवर्ड डाल के बता देता हूँ। इसके अलावा अगर आप पासवर्ड, इसमें जो पासवर्ड है आप सेम पासवर्ड भी डाल सकते हैं दोनों में, अलग अलग दोनों में मॉडिफाई के लिए और ओपन के लिए अलग अलग पासवर्ड भी डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको पासवर्ड डाल के बता देता हूँ, जैसे मैंने कोई पासवर्ड डाला, मैंने पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही ओके किया तो उसने बोला री इंटर पासवर्ड, फिर से आपने जो पासवर्ड डाला हुआ आप उसको री इंटर कीजिए। ठीक है, जैसे आप इस फाइल ओके करने के बाद आप इस पे ये जो भी फाइल है उसको सेव कर, जिस नाम से भी सेव कर दीजिए, कोई भी नाम से इसको सेव कर दीजिए, सेव करने सेव कर दीजिए। ठीक है, आपकी ये जो फाइल है सेव हो गई। अगर आप इसे देखना चाहते हैं कि ये फाइल में पासवर्ड लगा या नहीं लगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपने फाइल सेव की है उसको अपन ओपन करके देख लेते हैं इसमें पासवर्ड डला है या नहीं। ठीक है, इसके लिए आपको होम मेन्यू पे क्लिक करना, फाइल पे क्लिक करना होगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन करना होगा। जैसे ओपन करेंगे तो आपका रिसेंट में भी देख सकते हैं, या फिर आपने जो सिलेक्ट किया जो फोल्डर उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। देखिए मैंने ये नाम से किया, जैसे करेंगे ये देखिए पासवर्ड मांग लिया। जैसे मैं पासवर्ड डालूंगा ये ओपन हो जाएगा, पासवर्ड डालते ही ओपन होगा, लेकिन पहले ओपन फोल्डर के लिए मांगा गया था। अब जो दोबारा पासवर्ड मांग रहा है वो एक्सेस जो आपका रीड ओनली के लिए मांग रहा है, या आप इसमें एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे आपने दोबारा अंदर खोलेंगे जो दूसरा पासवर्ड मांग रहा है वो पासवर्ड मांग रहा है आपके मॉडिफाई के लिए। ठीक है, तो हमने दो पासवर्ड डाले थे वहाँ पर, यहाँ पर भी दो पासवर्ड डाल के ओपन कर लेते हैं। जैसे ऊपर ये पूछ रहा है कि आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं या नहीं, तो बोलेंगे हाँ यस हम इसमें करेक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी फाइल ओपन है हुई। अब दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।